जनरल सैकटरी पंजाब प्रदेश कांग्रेस सेवा दल। देखो खोसला साहब, गल ये है कि यह जड़ा मुद्दा किसानी नू लैके जड़ा बिल पास किया गया केंद्र सरकार वालों, पहला तो मैं भरपूर शब्दों में यदि निखेधी करदा कि एक ऐसा बिल आ जड़ा कि साढ़े हिंदुस्तान दे विच ना सिर्फ किसानां लई मजदूरां लई बल्कि मतलब जड़े होर भी लोग जुड़े हुए, चाहे वह दुकानदार आ, चाहे वह कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ने, चाहे वह कोई होर कारोबार करते, छोटा कारोबार करते, वड्डा करते, सारे ही ये प्रभावित होणगे। अज केंद्र सरकार कह रही है कि असी ये बिल जिहड़ा किसानों की आमदन वधा देंगे, दुगुनी कर देंगे। वो दसन तो असी किदा दुगुनी कर देंगे, कोई जादू की छड़ी है उन्होंने को, किस तरह दुगुनी करेंगे? किसान तो जिहड़ा अज सड़कों पर रुल रहा है, किसान जिहड़ा अज त्राहीमाम कर रहा है, सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है जिन्होंने विधानसभा दे विच इस मुद्दे नू लैके इहदे विच पहली बारी किसी राज्य दे विच होया हिंदुस्तान दे विच कि केंद्र सरकार के खिलाफ बकायदा एक सारे विधायकों ने इकट्ठे होकर एक मता पारित किया और उन्होंने मंजूरी दिती है और इस बिल नू उन्होंने इहदी पूरी मुखालफत करके इहनू वापस लैण लई मता पारित किया है। मैं कहना कि अज जिस तरीके का माहौल पंजाब नू लै नाल नाल देश दे विच बनता जा रहा, किसान पूरा सड़कों के उत्ते उतरिया होया और किसानी जिहड़ी आ बर्बादी के कंढे ते है। सर जी गल करिए कि बीजेपी वालों कह रहे ये भी गल है जिदा कि नड्डा साहब वालों पिछे एक बयान आया से कि विचोलिया का काम कर रही है, तो कि कांग्रेस ज अकाली दल विचोलिया का काम करती पार्टी शब्द संबोधित भी किया वा? देखो खोसला जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी की विचोलगिरी नहीं करती। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की वह पार्टी है जिसने इस देश की आज़ादी की लड़ाई तो लैके इस देश की ये जो मौजूदा स्वरूप असं देख रहे बनाने के बड़ा वाला रोल प्ले किया है। पंडित जवाहर लाल नहरू जी तो लैके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक तुसी इतिहास कढ़ के देखो कांग्रेस पार्टी का। यह जिहड़ी विचोलगिरी की गल है, कांग्रेस पार्टी विचोलगिरी नहीं कर रही बल्कि नड्डा साहब नूं मैं कहना चाहुंदा कि उन्हां नूं सोचना चाहिए बयान देने तो पहला। इन्ने वड्डे लीडर ने, नैशनल पार्टी के बीजेपी के मतलब कि प्रधान ने मौजूदा, उन्हां नूं सोच के बयान देना चाहिए सी। ये विचोलगिरी वाली गल एक्चुअली उन्होंने जबान पर क्यों आई है मैं तुम्हें दसदा, क्योंकि इंसान जो करता है ना उही उहदे जबान पर आता है। विचोलगिरी एक्चुअली केंद्र सरकार कर रही है, अडानी नू लैके, अंबानी नू लैके, कारपोरेट सैक्टर नू लैके। अज जिहड़ी बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार नहीं है ये, सरकार केंद्र दे विच जिहड़ी चल रही है एक्चुअली ते कारपोरेट घराने की सरकार है। लोग कहिंदे आ कि बीजेपी कारपोरेट सैक्टर नू प्रफुल्लित कर रही है, मैं कहना कि कारपोरेट सैक्टर ही बीजेपी चला रहा है बल्कि इस देश नू चला रहा है। अज इस देश की बर्बादी का कारण जिहड़ा आ यही है कि अज जिहड़ी यह विचोलगिरी है, ये विचोलगिरी केंद्र सरकार के जिहड़े मंत्री और समुची जिहड़ी बीजेपी की टीम आ वह विचोलगिरी कर रही है कारपोरेट घराणियां नू लैके। इस करके ये जिहड़ा बिल पास किया गया उन्होंने फायदा वास्ते, उन्होंने फायदा पहुँचाने वास्ते, जिहड़े वड्डे वड्डे गडाउनां दी जिहड़ियां गल्लां हो रही कि अडानी के गडाउन उत्थे आ उत्थे आ, ये आने वाले समय के किसानों नू मुद्दे मूँह सिटणगे और अपनी मन मर्जी के भाव के उत्ते इन्हां दी फसलां नू लुट्टणगे, खरीदणगे नहीं लुट्टणगे। मतलब कि ये हालात जिहड़े इत्थे पैदा किए जा रहे। सो कांग्रेस पार्टी कभी विचोलगिरी नहीं करती। कांग्रेस पार्टी तो हिंदुस्तान की वह पार्टी है जिसने इस देश नू लैके जेलां कट्टियां, कुर्बानियां दित्तियां। असी तुसी ये देखो कि असी देश के दो दो प्रधानमंत्री इस देश के उत्ते वारे आ, मुख्यमंत्री पंजाब सरदार बिंद सिंह जी जिन्हां नू शेरे पंजाब कहा जाता सी, असी वह अतवाद के माहौल दे विच असी उन्हां नू कुर्बान किया है। दो दो प्रधानमंत्री इंदिरा जी, राजीव जी इस देश के उत्ते कुर्बान किए हैं। इन्हां नू असी पुछदे आ कि तुसी दित्ता की देश नू, सिवाय इस देश नू वंडण दे, इस देश नू तोड़न दे और इस देश नू एक भगवान रूप देन दे और अराजकता फैलाउन दे, इन्हां ने इस देश नू कुछ नहीं दित्ता। इन्हां दे कोल अपना कोई मुद्दा ही नहीं है, ना इन्हां को दा कोई इतिहास है। कदे गांधी जी की गल करते हैं, कदे सरदार पटेल की गल करते हैं। जे कांग्रेस इन्नी माड़ी है तो फिर इन्हां दी गल क्यों करदे तुसी? सो ये विचोलगिरी जिहड़ी है इन्हां दे ये कर रहे हैं, इस करके विचोलगिरी की गल करते हैं। सो मैं ये गल बिल्कुल इहदा मैं निखेधी करदा कि कांग्रेस पार्टी जिहड़ी आ किसानां दे नाल खड़ी है। अज पंजाब दा किसान, हरियाणे दा किसान, देश दा किसान, जिहड़ा मैं पूरे देश दे किसान की गल करूँगा, किसान जिहड़ा ओह रो रिहा है और असी पूरी तरह नाल कांग्रेस पार्टी दा एक एक कार्यकर्ता, समुची लीडरशिप कांग्रेस की वह किसान के नाल खड़ी। और जब तक ये बिल वापस नहीं लिते जाते, ये रद्द नहीं होंगे, किसानों के नाल कांग्रेस पार्टी सड़कों के उत्ते खड़ी रहेगी और इस बिल नू वापस करा के फिर ही पिछे हटेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद।